Back in connection with the 5,600 crore rupees drug syndicate case, the Delhi Police's special cell has seized around 10 crore rupees worth of drugs from Punjab's Amritsar, specifically from a village called Nepal. Now, the supply target from Dubai and was from Dubai and UK. The syndicate was receiving large drug supply targets from Dubai and the UK, with Punjab as one of the key destinations. In fact, my colleague Mukesh Singh Sengar joins us to get us more on this. Mukesh, what are the details? Break it down for us. What exactly is the Punjab police saying? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो ये पूरा ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा है, जिसमें 5,600 करोड़ की ड्रग है, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने अमृतसर से जितेंद्र पाल सिंह को गिरफ्तार किया था। जितेंद्र पाल सिंह वही शख्स है जो कि दुबई में बैठे वीरेंद्र बसोया का काफ़ी क्लोज है, और वीरेंद्र बसोया ने ही पूरी कंसाइनमेंट जो है वो दिल्ली भेजी थी। तो जितेंद्र पाल सिंह से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने उसके अमृतसर के एक नेपाल गांव है अमृतसर में, जहां से उसके चाचा के यहां से एक फॉर्चुनर गाड़ी बरामद की है, और उस गाड़ी के अंदर से करीब 10 करोड़ की जो कोकीन है वो और बरामद हुई है। इसके साथ में एक मोबाइल फोन भी मिला है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 1 अक्टूबर 2024 को, यानी कि जो कोकीन की जो कंसाइनमेंट पकड़ी गई थी उसके ठीक पहले, जो जितेंद्र पाल सिंह है वो फॉर्चुनर गाड़ी से दिल्ली से अमृतसर गया था, और ये गाड़ी जो है सरोजिनी नगर में, दिल्ली के सरोजिनी नगर में एक रविंद्र नाम का शख्स है, उसके नाम से रजिस्टर्ड है, और इसी गाड़ी से वो वहाँ गया था। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने उसको अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, जब वो लंदन भागने की फिराक में था, तो उसको दिल्ली पुलिस जब लेकर दिल्ली आई, तो उसके बाद फिर उसने उसकी निशानदेही पर यह फॉर्चुनर गाड़ी बरामद हुई, जिसके अंदर से करीब 10 करोड़ की जो कोकीन है वो बरामद हुई है। ऑलराइट, मुकेश सिंह सेंगर, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग अस ऑल द लेटेस्ट इन दैट स्टोरी।